नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि MPSLSA यानी कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की तरफ से कुछ पदों पर भर्तियां आई थी, जैसे कि निज सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3। तो काफ़ी समय बाद इस भर्ती के लिए एक नया अपडेट जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैंने MPSC की वेबसाइट ओपन करके रखी है, यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट। इस नोटिस को आप देखने के लिए आपको पहले MPSC की वेबसाइट ओपन करनी होगी। इसके बाद आपको बाईं तरफ बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको रिक्रूटमेंट या रिजल्ट ऑप्शन जो दिया है उस पर आपको यहाँ पर जाना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जानकारी ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट ओपन हुई है, आप इसमें देखिए, यहाँ पर 29/9/2020 का नोटिस आया है। इसमें लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 MPSLSA 2020। तो चलिए इसको ओपन करके हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो PDF फाइल। तो इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण MPSLSA में निज सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 3 की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार करना है, यानी कि उस समय जिससे भी फॉर्म भरते वक्त कोई त्रुटि हो गई थी, यदि वो सुधार करना चाहते हैं तो उनके लिए एक डेट निर्धारित हुई है। वो सुधार कर सकते हैं दिनांक 1/10/2020 12 बजे से दिनांक 2/10/2020 12 बजे तक, यानी कि आपको सिर्फ 2 दिनों का टाइम मिला है। तो आपसे अगर कोई त्रुटि हो गई तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं दी हुई डेट के अनुसार। इसके बाद आगे लिखा है कि साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य व बचाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परीक्षाएँ COVID-19 महामारी के इस काल में ST50 मॉडल विथ आइसोलेशन पद्धति से संपन्न कराई जाएंगी। अतः आवेदनकर्ता सभी अभ्यर्थियों को पूर्व में अदा की जा चुकी परीक्षा शुल्क के अलावा ₹277 और उसके साथ 18% GST का अतिरिक्त शुल्क आपको सेवा प्रदाता को जमा करना आवश्यक है। उक्त शुल्क दिनांक 7/10/2020 12 बजे से 12/10/2020 11:55 PM तक उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्व की भांति ही जमा किए जा सकेंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें आपका आगे जिस भी तिथि में एग्जाम होगा वो ST50 मॉडल विद आइसोलेशन पद्धति से संपन्न करा जाएगा, और इसके लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लिया जा रहा है जो कि आपको इसमें दी गई दिनांक तक आपको जमा करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा की तिथियों की जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएंगी। तो अभी इसकी एग्जाम डेट की कोई भी जानकारी नहीं आई है, तो जैसे ही डेट आएगी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। लेकिन आप भी MPSC की वेबसाइट को लगातार देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।